एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त नाग महाशय कोलकाता से कहीं जाने के लिए रेलवे टिकट घर की लाइन में खड़े थे। उन्हें भोजेश्वर स्टेशन का टिकट खरीदना था। तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध अपने साथ ठंड से ठुठुरते बच्चे को गोद में लिए वहां पहुंची तथा एक बंगाली सेठ से बोली, मेरा बच्चा कई दिन से भूखा है, ठंड के कारण बुखार में तप रहा है, कुछ रुपए दे दें तो इसकी जान बच जाएगी। बंगाली सेठ ने महिला को झिड़कते हुए कहा, आगे बढ़ें, मेहनत मजदूर करने की आदत डालें। नाग महाशय पंक्ति में खड़े यह दृश्य देख रहे थे। यह देख उनसे रहा नहीं गया, वह पंक्ति से बाहर आए, टिकट खरीदने के लिए हाथ में लिए 8 रुपए तथा अपना कम्बल वृद्ध को देते हुए बोले, माँ तुम अपने बच्चे को दूध पिलाओ, दवा खिलाओ, इसका ध्यान रखो, मैं तो पैदल चलकर ही भोजेश्वर पहुँच जाऊँगा। नाग महाशय पैदल ही गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गए। नाग महाशय ने अपने गुरुदेव से दरिद्र नारायण की सेवा की जो प्रेरणा ली थी, वो आजन अनेक कष्ट सहकर भी उसका पालन करते रहे। उनके अनुसार ईश्वर का दर्शन करने के लिए हृदय पवित्र होना चाहिए। सत्य के ज्ञान के लिए पांडित्य आवश्यक नहीं है, उसके लिए बालक जैसा हृदय होना चाहिए। जब मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचता है तो आत्मा प्रकाशित होती है, जिससे सारा जीवन जगमगा उठता है। तब मनुष्य के अंदर नैतिक चरित्र महान शक्ति आ जाती है, जिससे उसका जीवन सफल हो जाता है। ईश्वर कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ईश्वर की सच्ची भक्ति ही दरिद्र नारायण की सेवा है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं वो हमेशा ईश्वर को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें सबकी सहायता करनी चाहिए और दूसरों का सेवा भाव रखना चाहिए।